मोटापा सभी रोगों का कारण है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम किसी बीमारी से ग्रसित होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे शुगर हो, चाहे आर्थराइटिस हो या घुटने में दर्द हो, डॉक्टर बोलेगा वजन कम करो। वजन कम करने से, यानी डॉक्टर बोल रहा है कि वजन कम करने से ही आपका रोग कंट्रोल होगा। और अगर अभी आपके पास कोई बीमारी नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आगे आएगा नहीं। आज भारतवर्ष में सभी उम्र के लोग यानी बच्चे भी मोटापे से ग्रसित हैं। मैं भारतवर्ष का ही नाम क्यों लूँ, विदेश में भी, पूरे विश्व में मोटापा एक रोग की तरह है। लेकिन हम विश्व से ज़्यादा पहले हम अपने आप को तो सुधारें ताकि दूसरा हमें देख के सुधरे, मोटापे की तरफ न जाए। हालांकि अब फॉरेन में तो लोग बाग सोचने लग गए हैं, इंडिया में भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम बच्चों के लिए और युवा लोग इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मोटापा तो देखिए हमें कम करना पड़ेगा किसी भी बीमारी से मुक्त रहने के लिए। और अभी बीमारी नहीं है, अभी सिर्फ मोटापा है, तो आप आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि आप उस समय सब आसन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज आपको यही बोलूंगी, अगर आपको मोटापा नहीं है तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें। शुरुआत सूर्य नमस्कार से करेंगे, हो सकता है आप 6 करके थक जाए, क्योंकि शरीर अगर हैवी है तो 6 में भी थकेगा, पर 6 से धीरे धीरे 8, 12, 16 ऐसे करते करते आप 24 पर ले आए। 24 सूर्य नमस्कार करने के बाद जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ उन अभ्यासों को करिए। उनको करेंगे तो आपका वजन निश्चित रूप से सूर्य नमस्कार करने के बाद, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से पसीना आने लगता है। मैं आपको अपने सूर्य नमस्कार का वीडियो की लिंक इसमें डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, उससे सीख जाएंगे आप कि कहाँ सांस लेना है, कहाँ छोड़ना है। फास्ट करिएगा, पसीना 100% आएगा। उसके बाद इन आसनों को करिए जो मैं करके बताने वाली हूँ, आपका वजन चला ही जाएगा। हाँ, जिस आसन में बोल दूंगी कि अगर आपको ये समस्या है तो मत करिएगा, तो मत करिएगा। चलिए सबसे पहले हम आसनों से ही शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, बैठ करके पश्चिम तानासन का फास्ट, ये भी फास्ट करेंगे। कोई भी चीज आप 10 बार से कम नहीं करेंगे। ये सांस भरते हुए स्थिति है, ये ब्रीद आउट है, ठीक है। ये 10 बार करेंगे, 10 बार करने के इसमें आप थक जाएंगे 10 बार करते करते। उसके बाद आप ना बैठ करके नहीं, सीधे उल्टे लेट के, उल्टे लेट के धनुरासन करिए। अगर आपको हार्निया है तो मत करिएगा। ये 10-10 के कम से कम, देखिए पेट को तो बहुत तेजी से घटाता है, डायबिटीज से बचा के रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लंग्स को हेल्दी बनाता है। तो आप इसको जरूर करिए, 10-10 के आप 2 से शुरुआत कर सकते हैं, फिर उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 4-5 पे ले आइए। आपका पेट 1 महीने में ही घटने लगेगा, आप खुद बोलेंगे कि अच्छा मेरा पेट इतना घट गया है। उसके बाद आप सीधे लेट करके पैरों को आप इस स्थिति में ले आइए, हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करके सिर के ब्रीद आउट करते हुए घुटना और सिर एक पास लाएंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये भी 10-10 के 2 राउंड से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद आप 4-5 जितना कर सकते हैं कर लीजिए, ये आपकी अपनी क्षमता है। अगर आपको थाइस में फैट बहुत ज्यादा है और वो घटाने का मन कर रहा है कि मैं थाइस का फैट घटाऊं, तो या तो देखिए अपने पैरों से आप 8 बनाइए, 8 बनाएंगे थाइस के ऊपर, पेट पर तो आएगा लेकिन थाइस पर बहुत अच्छा आएगा। फिर सीधा बनाने के बाद उल्टा भी, और अगर आपके अंदर और अधिक क्षमता है तो 2-8 एक साथ बनाइए, 2-8 यानी दोनों पांव से 8 बनाइए। बहुत तेजी से थाइस का फैट जाएगा। हाँ, कमर दर्द होगा तो आप दोनों पांव से नहीं बना पाएंगे, ना आप सिंगल पांव से बना पाएंगे, फिर आपको 1 पांव से बनाना पड़ेगा। अगर कमर दर्द है तो 1 पांव से बनाइए और सीधा उल्टा दोनों। ये मैं आपको जो बता रही हूं ये आपके थाइस के फैट के लिए बहुत अच्छा है।
और इसके बाद अगर आपको आपका वजन ज्यादा है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, आप में हिम्मत है, तो आप ये करिए, हाथ पीछे है, ये सरल है, सब कर सकते हैं, आउट, ये 25-25 के कम से कम दो राउंड, देखिए करने में बहुत सरल है लेकिन पेट के ऊपर बहुत जबरदस्त असर आता है, आप करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और अगर कमर दर्द भी है तो भी ये अभ्यास आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे 1 2 3, ये 20 तक रुकिए, फिर इसके बाद पांव बदल के यहां भी 20 तक रुकिए, पेट में बहुत अच्छा असर आता है, पेट और थाई सब घटती है। अगर आपको गर्दन में तकलीफ है तो आप ऐसे करके ऐसे भी कर लीजिए, ये भी चलेगा। आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो सिर को नीचे रख के कर सकते हैं आप, वरना सिर को ऊपर रख के करिए और अधिक आपको रिजल्ट मिलेगा। और इतना बस इतना कर लीजिए आप उतने सूर्य नमस्कार के बाद, और उसके बाद सिर्फ मैं आपसे बोलूंगी भस्त्रिका करिए, अग्निसार करिए, कपालभाति करिए। देखिए कपालभाति भी पेट के फैट को डाइजेशन के साथ साथ दूर करती है, लंग्स को हेल्दी बनाती है, भस्त्रिका आपके शरीर में हीट लाती है, आपके फैट को गलाती है, जला देती है, और जो अग्निसार है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करके मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और पेट का फैट तो जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अग्निसार बता दूं क्या करना है, आप ऐसे खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे घुटने को मोड़ लेंगे, ये देखिए हमने हल्का सा घुटनों को मोड़ लिया है, थाइस पर ऐसे हाथ अपना जमा दिया है, और अब सांस को बाहर निकालने के बाद सांस लेना नहीं है, निकाल दिया, अब पेट को खाली बिना सांस के अंदर बाहर करना है, बस ऐसे ही करते रहिए जितनी देर कर सकते हैं, और जब थक जाए सांस भरने के लिए आप सीधे बैठ जाए, और मतलब खड़े हो जाए, सांस भर ले, रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा करिए। लेकिन इसको खाली पेट करना है, सुबह करना है या शाम के खाने के पहले, बिल्कुल खाली पेट हो तब कर सकते हैं, और दिन में दो बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए हर तरह से रामबाण है, डायबिटीज नहीं होने देगा, कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से रिमूव कर देगा सुबह जब करते हैं तो, और डाइजेशन तो मैंने बोला है मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो बहुत सारे इसके लाभ है, पर पेट का फैट तो कम हो जाता है। मैं तो पेट के फैट के लिए भी, मैं नहीं चाहती हूँ किसी का पेट आगे निकले। तो ये था अग्निसार, इसके बाद कपालभाति वैसे सबको आता है लेकिन मैं करके बता रही हूँ, चूँकि मैं बताने बैठी हूँ तो बताऊँगी। देखिए अगर आपको वेट कम करना है तो कपालभाति करते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, यानी आप ये पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व को छोटी उंगली के बगल वाली रिंग फिंगर जिसे कहते हैं उसको ऐसे टिकाइए, आंखें बंद कीजिए और कपालभाति करते रहिए। अब आप बोलेंगे कितनी देर करें, देखिए करना तो 5 मिनट पड़ेगा, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत में 5 मिनट समय नहीं है तो आप 2 मिनट कर लें, फिर शाम को अग्निसार से पहले 2 मिनट कर लें, दो बार कर लें खाना खाने से पहले, सुबह भी और शाम को भी, और अग्नि ये कपालभाति के बाद मैंने बोला भस्त्रिका कर लें। और भस्त्रिका कैसे होगा, लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो भस्त्रिका को अवॉइड कर दें, ना करें, उनके लिए मना है, और वैसे बाकी लोग जो करते हैं वो कर लेंगे ऐसे। बस आपको ऐसे ही तेजी से सांस भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। आप अगर 2 मिनट भी कर लेंगे पसीने से नहा जाएंगे आप बस। लेकिन मैंने बोला डायबिटीज नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करें, बाकी सब कर सकते हैं। 2 मिनट, 2-2 मिनट के 2 राउंड कर लिए तो आप पहले महीने में ही अपना कम से कम 5 किलो वजन कम कर लेंगे, जबकि डॉक्टर आज बोलते हैं बहुत तेजी से वजन नहीं कम करना चाहिए, लेकिन साथ में तला भुना मसालेदार नहीं लेंगे, ऐसा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो कैलोरी बढ़ाएगी, आप कितना घटाएंगे,
कम कैलोरी वाला, जिसमें ये आपका फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सैलड हो, सीड्स हो, ऐसा तो आप आहार 50% लेंगे। उसके बाद मोटे अनाज का खाना खाएंगे, शाम का खाना जल्दी खाएंगे। मैं खाना छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। और दोपहर में खाने के संग पानी नहीं लेके छाछ लेंगे, तो आप देखेंगे एक ही महीने में कम से कम 5 किलो वजन कम होगा। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब कीजिए, क्योंकि मोटापा सब हो रहा है। जितने लोग लाभ उठाएंगे वो आपको भी दुआ देंगे, और मोटापे के साथ साथ इनका रोग भी दूर होंगे। तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।